हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल कप्स एंड बीन्स में। आज के इस वीडियो में बरसात के मौसम में हमें अपने गुलाब के पौधों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए ताकि सर्दियों में ये पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके, इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो को देख सके और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि बरसात के मौसम में गमले में लगे हुए गुलाब के पौधे या फिर बाग बगीचों में लगे हुए गुलाब के पौधों का अगर ठीक से रखरखाव ना की जाए तो अक्सर वे खराब हो जाते हैं। लगातार बारिश से गुलाब के पौधे अक्सर खराब हो जाते हैं, इसलिए इन पौधों की बरसात के दौरान देखभाल बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। जिस तरह गुलाब के फूल खास होते हैं, उसी तरह इसकी देखभाल भी खास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि बरसात के मौसम में हम अपने गुलाब के पौधों का रखरखाव कैसे करें ताकि सर्दियों के मौसम में ये पौधे ढेर सारे गुलाबों से बगिया को महका दें। बरसात के मौसम में सबसे पहला काम जो करना है वो है कि अगर पौधे गमले में लगे हुए हैं तो गमले के ड्रेनेज होल को ठीक करें ताकि पानी गमले में ना जमे। दूसरा काम ये करें कि गुलाब के गमले में जितने भी खरपतवार हैं उन्हें निकाल कर फेंक दें। ये खरपतवार गुलाब के गमले में डाले जाने वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर लेते हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। हर 10 से 15 दिनों में आप एक बार करके इसके खरपतवार को निकाल दें। गुलाब के पौधों के लिए जब भी सॉइल मिक्सचर तैयार करें तो वो एकदम वेल ड्रेंड होनी चाहिए ताकि गुलाब के गमले में पानी ना जमे, वरना इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है वह एकदम भुरभुरी है और पानी एकदम नहीं जमता है। इसलिए गुलाब के पौधे को लगाते समय आप इस बात का खास ख्याल रखें कि मिट्टी एकदम वेल ड्रेंड होना चाहिए। गुलाब के पौधे में अक्सर एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है और वो है डाईबैक का प्रॉब्लम। इसमें गुलाब का जो डंठल होता है वो धीरे धीरे पीछे की ओर काला पड़ते जाता है। इस समस्या से बचने के लिए आप इसके डंठल को काट दें और वहाँ तक काटें जहाँ तक कि इसके डंठल के बीच जो ग्रीन पार्ट होता है वह न दिख जाए। कोशिश करें कि डंठल को 45 डिग्री के एंगल में ही काटें ताकि डंठल के ऊपर पानी ना जमे, वरना फंगस अटैक हो सकता है। डंठल को काटने के बाद आपके पास जो भी फंजीसाइड है आप उसे डंठल के ऊपर लगा दें। मैंने यहाँ साफ लिया है और साफ का थोड़ा पाउडर को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिया है और उसे डंठल के टिप पर लगा दिया है। देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट के बाद मेरा वही गुलाब का पौधा जिसमें डाईबैक का प्रॉब्लम था, नया बेसल स्टेम निकाल दिया है। अब ये काफ़ी हेल्दी और मोटी बेसल स्टेम निकाल रहा है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है लेकिन इस गमले में भी मेरा पानी नहीं जमा है। इसकी मिट्टी भी देखिए काफ़ी भुरभुरी है। नेक्स्ट काम जो अब करना है, चलिए अब उसे देख लेते हैं। गुलाब के पौधे में जितने भी फूल मुरझा गए हैं उन्हें समय समय पर हटा दें, क्योंकि बारिश का पानी फूलों पर टिक जाता है और फंगल अटैक के खतरे को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इस मौसम में आप चाहें तो सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से न्यू ब्रांचेस निकलते हैं और प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है सारे पीले पड़े पत्तों को हटाना। जो भी पत्ते पीले हो गए हैं या फिर ब्राउन हो जाते हैं आप उन्हें हटा दें। जो पत्ते मुड़ जाते हैं उसमें भी पानी जम सकते हैं और ये फिर पौधे को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए आप इन सारे पत्तों को तोड़ के हटा दें। यहाँ बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि वे अफेक्टेड लीफ को गमले में ही डाल देते हैं। ये गलती कभी भी ना करें। तोड़े हुए पत्तों को कभी भी गमले में ना डालें, पत्तों को कहीं दूर ही फेंकें।
देखिए दोस्तों, मेरे इन गुलाब के पौधों में अभी नई नई पत्तियां निकल रही हैं और काफ़ी कलियां भी आई हुई है। ये मिनी रोज़ में तो बंचेज में कलियां आती हैं, एक साथ 20-30 कलियां। चलिए अब नेक्स्ट काम देखते हैं, वो है समय समय पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करना। इस मौसम में बहुत सारे पेस्ट का अटैक होता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने सारे पौधों में पेस्टिसाइड का छिड़काव करें। गुलाब के पौधों में भी हर 15 दिन के अंतर में आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करें। मैं यहाँ नीम ऑयल का छिड़काव कर रही हूँ। आपके पास जो भी पेस्टिसाइड है, आप उसका इस्तेमाल हर 15 दिन में करें। पेस्टिसाइड का छिड़काव आप तेज़ धूप में ना करें, वरना पौधे मुरझा सकते हैं। पौधों के पत्तों में, जड़ों के पास, हर जगह छिड़काव करें, तो इस तरह आपके पौधे काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो देखा दोस्तों, इस तरह से अगर आप भी अपने गुलाब के पौधों की देखभाल करेंगे तो आने वाले सर्दियों में ये आपको ढेरों फूल देगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो के जरिए गुलाब के केयर के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।